एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ या आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, सभी खैरियत से होंगे। मैं शुभम कुमार सिंह, जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके और हमारे चैनल वी आई डेवलपर्स पर। और दोस्तों, मैं आप सबके बीच आ चुका हूँ आज स्टोरी कॉर्नर्स का एक और नया और धमाकेदार एपिसोड लेकर। तो बिना किसी देरी की कहानी की तरफ चलते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है गाइस। तो बिना किसी देरी के अपनी कहानी की तरफ चलते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका नाम है कोठी नंबर 13, जिसके लेखक हैं अनुराग अग्निहोत्री अग्निवान। आइए आप सबको लिए चलता हूँ आज से 50 साल पहले। सापिक का सीजन चल रहा है इस होटल में, तो क्या इस हिल स्टेशन के किसी भी होटल में आपको रूम नहीं मिलेगा। रवि कपूर को उस होटल से निराश होकर निकलते हुए उस दलाल जैसे दिखने वाले आदमी ने कहा, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं आपको एक रूम दिला सकता हूँ जहाँ पे आप जितने दिन चाहें उतने दिन रुक सकते हैं। रवि कपूर फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने राइटर और डायरेक्टर थे, जिन्होंने कई हिट फिल्में, कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी थी, लेकिन उनकी पिछली 3 फिल्में लगातार फ्लॉप हो गई थी, जिससे कि फिल्म इंडस्ट्री में यह अफवाह उड़ने लग गई थी कि अब उनका दौर गया। यह अफवाह उड़ते उड़ते रवि कपूर के कानों में भी पहुंची और उन्होंने जब इस अफवाह को सुना तो उन्होंने ये फैसला किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अगली कहानी तब तक नहीं लिखेंगे या अगली फिल्म तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि उन्हें कोई अच्छी और नई कहानी या प्लॉट नहीं मिल जाता। उन्होंने अपनी यादों से बाहर निकलते हुए उस आदमी को ध्यान से देखते हुए कहा कि तुम क्या मेरे स्टैंडर्ड के लायक रूम दिलवा भी पाओगे। फिर उस आदमी ने चहकते हुए कहा कि अरे, आप तो फेमस डायरेक्टर रवि कपूर है ना। बिल्कुल साहब, आपको क्या पता, इस पूरे शहर में मदन का ही नाम है कि जिस किसी को रूम नहीं मिल पाता उसको मदन ही रूम दिलवाता है। इसके बाद उन्होंने उसकी तरफ अविश्वास से देखा, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि कोई और चारा तो है नहीं, तो इसलिए उन्होंने उससे कहा, तो चलो ठीक है, चलकर तुम्हारी जगह भी देख लेते हैं। यह सुनकर मदन बड़ा खुश हुआ। उसने एक टैक्सी को आवाज़ लगाई और उनका लगेज रखकर चलने को हुआ। वे चलने लगे। वे शहर से बाहर पहुंचे एक पहाड़ी पर जो काफ़ी सुनसान लग रही थी। मदन ने एक कोठी के सामने गाड़ी रुकवाई। उन्होंने कोठी देखी। उन्हें ऐसा लगा जैसे ये किसी समय अंग्रेज की रही होगी और बाद में इसे किसी भारतीय ने खरीद दिया होगा, लेकिन देखने से वो काफ़ी शानदार और वेल मेंटेन लग रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे कोठी के सामने के दरवाजे के पास पहुंचे और वहाँ की बगीचे और कोठी को निहारने लगे। उनकी यादों में विघ्न तब आया जब मदन की आवाज़ अचानक से उनके कानों में पड़ी। वह किसी आदमी से बात कर रहा था जो कि एक चौकीदार सा दिख रहा था। अरे राम सिंह, ये हमारे जाने माने बम्बई के फिल्म डायरेक्टर रवि कपूर जी हैं, ये कुछ दिन यहीं रहेंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनका खास ध्यान रखना। उन्होंने ये गौर किया कि उसने ध्यान शब्द पर कुछ ज़्यादा ही गौर किया था। उन्हें ऐसा लगा कि शायद वो मुझे खुश करने के लिए ऐसा बोल रहा होगा, लेकिन उनको क्या पता था कि इसके पीछे कुछ अलग ही कारण होंगे। बहरहाल, राम सिंह उनका सामान लेकर उनके कमरे की तरफ चल दिया और वे दोनों भी उसके पीछे पीछे चल दिए। वे उस कमरे में पहुंचे। कमरा सचमुच शानदार था। सागवान की लकड़ी से बना नक्काशीदार पलंग, लकड़ी के एक स्टूल पे रखा हुआ सुनहरा मेटल से बना लैंडलाइन फोन। रवि कपूर जैसे व्यक्ति को भी ये जगह अपने आप को प्रभावित करने से ना रोक सकी, लेकिन उन्हें एक बहुत ही अजीब बात लगी कि उनके अलावा यहाँ और कोई टूरिस्ट नहीं था। इस पूरी कोठी में उन्होंने किसी और को नहीं देखा था। जब उन्होंने इस बात को उन दोनों से पूछा तो पहले तो वे दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाए देखते रहे, लेकिन फिर मदन अचानक से बोला कि साहब, जो ज़्यादातर लोग हैं वो तो भीड़ भड़ाके में ही रहना पसंद करते हैं, वो शहर में रहते हैं और ये जगह शहर से बहुत दूर है और शांत है, तो लोग तो प्राय हिल स्टेशन में आते हैं, वो भीड़ भाड़ में ही रहना पसंद करते हैं। आपको कहानी लिखनी थी आपने बताया, तो मैंने सोचा कि आपको ऐसी शांत जगह की ज़रूरत होगी, इसलिए मैं आपको यहाँ ले आया। रवि कपूर ने उसकी बातों को सुना और फिर सहमत हो गए। फिर उन्होंने राम सिंह से कहा कि भाई, मुझे बहुत भूख लगी है। राम सिंह तुरंत उठा और बोला कि साहब, मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आता हूँ, अभी कुछ इंतज़ाम करता हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चला गया। अब मैं भी चलता हूँ साहब, कल आपको सुबह शहर दिखाने के लिए लौट आऊँगा, मदन ने अपनी हथेली खुजाते हुए कहा। उसकी हथेली के खुजाने का मतलब रवि कपूर अच्छे से समझ गए। उन्होंने अपनी जेब से 100 का नोट निकाला और उसे थमा दिया। वो खुशी खुशी वहां से चला गया। इसके बाद राम सिंह खाना लेकर आया
और उन्होंने खाना खाते हुए उससे कहा कि खाना सचमुच बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। राम सिंह ने उनके सामने अदब से सिर झुकाया और जूठे बर्तन ले जाते हुए कहा कि साहब आप रात को बस अपने कमरे से बाहर मत निकल जाना। यह सुनते ही उनके मन में एक डर की सिहरन सी दौड़ गई। क्यों, यहाँ क्या कोई डरने की बात है? उनके माथे पर पसीने की बूंदें साफ साफ दिखाई दे रही थी, उनके चेहरे पे डर था। राम सिंह ने अब भी नजरें झुका रखी थी और वो उनसे नजरें नहीं मिला रहा था। फिर उसने हकलाते हुए कहा, न न न नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल सुनसान इलाका है तो जंगली जानवर वगैरह आ जाते हैं। रवि के अंदर अब एक डर भर चुका था। उन्हें भी यह पता था कि रात का ये वक्त है, सुनसान इलाका है, तो वो अब इस वक्त कहीं और जा भी नहीं सकते, इसलिए उन्हें रहना तो यही होगा। उन्होंने अपने अंदर के डर को छुपाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, मैं अपने रूम से बाहर नहीं निकलूंगा। इसके बाद वे अपने कमरे में चले गए। उन्होंने ये सोचा था कि वे इस शांत इलाके में आराम से अपनी फिल्म के लिए कहानी सोच और लिख पाएंगे, लेकिन अब जब राम सिंह की बातें उन्हें याद आती थी तो वे एक पल के लिए सिहर उठते थे। अब उनके दिमाग में उनकी फिल्म के लिए कोई अच्छा सा आइडिया आ ही नहीं पा रहा था। उन्होंने सोचा कि आज यहाँ किसी तरीके से रात बिता ली जाए, कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाऊंगा। उन्होंने ये सोचकर अपना लिखना बंद किया, क्योंकि उनके दिमाग में आइडियाज तो उस वक्त आ रहे ही नहीं थे, और बाहर के नज़ारे को देखने लग गए। पहाड़ी इलाका वैसे ही शांत था, लेकिन अब उन्हें वहाँ मरघट सी शांति महसूस हो रही थी। उन्होंने सब कुछ छोड़कर सोने का फैसला किया। उन्हें लेटे हुए 5 मिनट ही हुए थे कि किसी ने बहुत जोर से दरवाजा खटखटाया। रवि के अंदर डर साफ साफ छलक रहा था। कौन है, कौन है? इस वक्त दूसरी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई, मानो किसी ने दरवाजा खटखटाया ही ना हो। फिर उन्होंने सोचा, ये डर भी कितनी अजीब चीज होती है ना, इंसान को कुछ भी सोचने पे मजबूर कर देती है। अब मुझे ही देख लो, मुझे लगा कि किसी ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन शायद ये तो मेरा वहम था। उन्होंने फिर से सोने की कोशिश की, लेकिन फिर से दरवाजा खटखटाया गया, और इस बार इतनी जोर से खटखटाया गया मानो उन्हें लगा कि वो व्यक्ति दरवाजा तोड़ना चाहता है या वो तोड़ ही डालेगा। उन्होंने घबरा कर चारों तरफ देखा और फिर बड़ी मुश्किल से सूखे हुए हलक से बोले, कौन है? तुम बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? दरवाजा खोल दो साहब, वरना मैं इसे मार डालूंगा। राम सिंह की गुर्राती हुई आवाज रवि को सुनाई दी। अभी वो कुछ सोच पाता या कुछ कर पाता उससे पहले राम सिंह की दोबारा मिमियाती हुई आवाज आई, नहीं साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे ये मुझे मार भी क्यों ना डाले, आप दरवाजा मत खोलना। अब रवि कपूर पूरी तरीके से कंफ्यूज हो चुका था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन सा खेल खेल रहा है उसके साथ राम सिंह। अभी रवि कपूर कुछ समझ पाता उससे पहले बाहर से मारने और चीखने की आवाजें आने लगी। रवि कपूर का दिल मारे घबराहट के मुंह तक आ गया। उसे कुछ सूझा नहीं तो उसने वहां रखे लैंडलाइन से पुलिस का नंबर डायल कर दिया। काफी देर तक घंटी बजने के बाद दूसरी तरफ से फोन उठाया गया। हेलो, मैं रवि कपूर कोठी नंबर 13 से बोल रहा हूँ, मेरी जान खतरे में है, प्लीज मुझे बचा लो। दूसरी तरफ से आवाज आई, अबे तू पागल तो नहीं हो गया है? अबे 13 नंबर की कोठी भूतिया कोठी है, उसमें भूतों के सिवाय कोई नहीं रखता। हमें उल्लू मत बना इस वक्त फोन करके, चल अब फोन रख। ये कहकर दूसरी तरफ से फोन काट दिया गया। वो आदमी साफ साफ नशे में लग रहा था। रवि जब उसके द्वारा कही गई बातों का मतलब समझने की कोशिश कर ही रहा था, तभी उस कमरे की शक्ल सूरत बदलना शुरू हो गई। वो कमरा अब उस कमरे को देखकर लग ही नहीं रहा था कि वो नया और चमचमाता हुआ है। वह कमरा पुराना, बदरंग और मकड़ियों के जालों से भरा हुआ हो चुका था, मानो वहां सालों से कोई आया ही ना हो। सभी लकड़ियों पर दीमक लगे थे। जिस पलंग पर वो अभी कुछ देर पहले सो रहा था, वो पलंग अब पूरी तरीके से जला हुआ दिख रहा था। वहां की छत, दीवारें सब कुछ काली दिख रही थी, मानो उन्हीं पर आग लगा दी गई हो। और सबसे ज्यादा हैरानी तो उसे तब हुई जब उसने देखा कि उसके सामने रखे लैंडलाइन से अभी उसने बात की थी, वो जलकर काला हो चुका था। कोई इसे देखकर यह नहीं बता सकता था कि इससे अभी थोड़ी देर पहले फोन पर बात की गई हो। यह सब देखकर रवि का दिल बिल्कुल बैठ गया। वो समझ गया कि आज इस जगह उसका आखिरी दिन है। कमरे का हुलिया इस तरीके से बदलता देखकर रवि की टांगे कांप रही थी।
और तभी उसका कलेजा मुंह को आ गया जब उसने राम सिंह की जहर बुझी आवाज सुनी। क्या साहब, कितना सोचते हो तुम भी, तुम्हारे चक्कर में बेचारा राम सिंह मारा गया। अब लगता है मुझे इस दरवाजे को तोड़कर अंदर ही आना पड़ेगा। रवि बड़े ही दयनीय तरीके से उस अधजले और कमजोर दरवाजे की तरफ देखने लगा जिसे कोई बच्चा भी लात मारकर तोड़ डालता। अब उसके और उसकी जिंदगी के बीच इस दरवाजे का ही सहारा रह गया था। अब उसे इस दरवाजे के टूटने के साथ ही अपने सांसों की डोर भी टूटती हुई महसूस हुई, और ये दरवाजा भी उसकी कितनी देर तक हिफाजत करता। राम सिंह के एक धक्के से वो दरवाजा टूट कर गिर गया। अब राम सिंह उसके सामने खड़ा था, लेकिन ये वो राम सिंह नहीं था जो कुछ घंटों पहले उसे स्वादिष्ट खाना खिला रहा था। अब तो ये पूरी तरीके से बदल चुका था। उसका पूरा शरीर झुलसा हुआ था, उसकी आंख गल चुकी थी और लटक रही थी, उसकी दूसरी आंख लाल थी जिससे वो रवि को घूर रहा था, उसके नाक के नाम पे दो छेद थे, उसके ओठ जले हुए थे और गल चुके थे जो कि छुट्टी पर लटक रहे थे, उसका पूरा शरीर जला हुआ दिख रहा था। उसे कोई मजबूत दिल वाला ही व्यक्ति बिना डरे देख सकता था, और रवि का दिल किसी भी सूरत में मजबूत बिल्कुल भी नहीं था। अरे साहब, तू डरता क्यों है? हम तेरे साथ कुछ थोड़े ही ना करेंगे, हम तो बस तेरी गर्दन काट के तेरा खून पी जाएंगे। देखो साहब, अभी मैंने भी आपको स्वादिष्ट खाना खिलाया था ना, अब आप हमारी भूख मिटाओ। उसकी आवाज इतनी सख्त थी कि रवि का पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। राम सिंह को ऐसे देखकर रवि चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसके गले से आवाज तक ना निकल सकी। लेकिन बचने की आखिर कोशिश तो उसे करनी ही थी, क्योंकि आखिर एक कीड़ा भी हो, अगर वो मरने वाला होता है तो वो भी अपने पंख फड़फड़ाता है ताकि वो बच जाए, और वो तो एक इंसान था। उसने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जहाँ थे वहीं जर्ब हो गए। अब उसके सामने मदन खड़ा था, लेकिन ये वो मदन नहीं था जो उन्हें लेकर आया था। उसके सीने में एक चाकू घुसा हुआ था, यही राम सिंह से उसके अंदर अलग था, और उसमें से लाल खून रिस रहा था। उसने कहा, अरे साहब, आप जा कहाँ रहे हो? आपको तो अभी मुझे पूरा शहर घुमाना है, उसके बाद आपको खाना भी तो है। मैंने सुना है बम्बई के साहब बहुत स्वादिष्ट होते हैं, उसने अपनी जीभ लपलपाते हुए कहा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? प्लीज़, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो, उसने भीख मांगते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन वे कोई इंसान तो थे नहीं जिनका दिल पसीज जाता या उनके अंदर रहम आ जाता। अरे साहब, हमने कहा तो आप हमारा साथ दो, आपको हम बिल्कुल दर्द नहीं देंगे और सीधा खा जाएंगे, राम सिंह ने बाहर निकलते हुए हैवानियत के साथ कहा। लेकिन लेकिन तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो? रवि ने बड़ी मुश्किल से रुंधे गले के साथ कहा। चलो ठीक है, ये आपकी आखिरी इच्छा समझ के बता ही देते हैं, लेकिन ये आपको हम नहीं बताएंगे, हमारे साहब बताएंगे, राम सिंह ने बोला। रवि ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। एक 65 से 70 साल का बुजुर्ग बूढ़ा उसके सामने खड़ा था, लेकिन वो भी उन्हीं की तरह पूरी तरीके से जला हुआ था। बस उसके अंदर अंतर इतना था कि एक गोली उसके आंख से अंदर होती हुई सिर तक धंसी हुई थी। उसने राम सिंह को देखा और फिर बड़ी हैरानी से बोला कि इंसान चाहे मरने ही वाला क्यों ना हो, लेकिन उसे जानने की इच्छा जरूर होती है कि वो क्यों मर रहा है। और सही भी है, उसे जानना तो चाहिए कि आखिर वो मरने क्यों वाला है। तो मैं तुम्हें बताता हूँ, उस बूढ़े ने बोलना शुरू किया। आज से 7 से 8 साल पहले की बात है, जब हम सब भी तुम्हारी तरह जिंदा हुआ करते थे। मेरा इकलौता बेटा बम्बई में जाकर बस गया, उसके गम में मेरी बीवी चल बसी और मैं यहाँ अकेला रह गया। मैंने कई बार इस राम सिंह से भी कहा कि यहाँ रहकर तू ऐसे भी कुछ कमा नहीं पाता, मेरे साथ रहकर भूखों क्यों मर रहा है, कहीं जाकर कुछ काम कर ले, लेकिन राम सिंह नहीं माना और वो यहाँ से नहीं गया। फिर हमें एक आइडिया आया कि इस कोठी को क्यों ना टूरिस्ट होटल की तरह यूज़ किया जाए। फिर क्या था, हमने इस आइडिया पे अमल किया। ये मदन टूरिस्ट लाता और राम सिंह और मैं उसकी देखभाल किया करते। एक दिन मदन बम्बई के 3 टूरिस्ट को लेकर आया और हमने उनकी देखभाल की, लेकिन हमें क्या पता था कि वो हमारे काल हैं। उसी दिन रात को उन तीनों ने हम पर हमला किया। इलाका सुनसान था, हम किसी को बुला नहीं सकते थे और उनके पास हथियार थे। अब हम तीनों को विरोध तो करना ही था। हम तीनों के विरोध करने का परिणाम ये हुआ कि उसने मदन के सीने में चाकू घुसा दिया, मुझे एक गोली लगी जो कि मेरे आंख से होते हुए सर तक चली गई, और राम सिंह को उन्होंने हाथ पैर बांध कर जला दिया और पूरे घर में आग लगा दी, जिससे ऐसा लगे कि घर में आग लगने से सबकी मौत हुई थी। इसे उन लोगों ने एक हादसा बना दिया। अब तुम तो जानते ही होगे कि किसी की अगर मौत प्राकृतिक ना हो तो वो भूत बन जाता है। मरने के बाद हमें पता चला कि वो यहाँ लूटपाट करने या किसी चीज़ को लूटने के लिए नहीं, बल्कि हमें मारने के लिए ही आए थे। उन्हें भेजा था मेरे बेटे ने, वो ये कोठी बेचना चाहता था और वो मेरे जीते जी ऐसा कर नहीं सकता था, लेकिन वो मेरे मरने के बाद भी ऐसा कभी कर नहीं पाया।
वो सभी हंसने लगे। उसके बाद से यहाँ के चप्पे चप्पे पर बच्चे बच्चे के मन में ये अफवाह और ये डर है कि ये कोठी भूतिया है और यहाँ भूत रहते हैं, और ये कई हद तक सच है, क्यों है ना। उसके बाद से जो बम्बई के टूरिस्ट आते थे उन्हें मदन अपने साथ यहाँ रहने के लिए ले आता और हम उनका खून पीते। अगर मेरा बेटा अब तक आ गया होता तो अभी तक हमें मुक्ति मिल जाती, लेकिन वो उसके बाद कभी नहीं आया। उसी के बाद से हमने फैसला किया कि जो बम्बई से टूरिस्ट आएंगे हम उनका खून पियेंगे और उसी से जिंदा रहेंगे। उन्होंने हंसते हुए ये कहा और वो तीनों हंसने लगे। इसके बाद वे तीनों मिलकर रवि को बड़े ही बुरे तरीके से नोच नोच कर खा गए और उसका खून पी लिया। अगले दिन रवि और मदन एक हिल स्टेशन पर हैं और वे एक बम्बई से आए टूरिस्ट से बोल रहे हैं कि साहब अगर आप चाहो तो हम आपको रहने के लिए एक बहुत अच्छी जगह दिलवा सकते हैं।